हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द 20th एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर रेड। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लीडर कोगा या फिर इस सिटी के जिम लीडर को कोगा को हरा दिया था, और आपने तभी मेरे को कमेंट किया था कि भाई अगर फूसिया सिटी आया हो तो सफारी जोन में भी जाना बनता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सफारी जोन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और मैंने ऑफ स्क्रीन इस सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया तब जाके मेरे को पता चला इसको सफारी जोन कहते हैं, और ये सफारी जोन की गेट है। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ बताने लायक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो इस सिटी का जो वार्डन है, वार्डन मतलब जो हेड बोल सकते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, ये इसका घर है। मैंने मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग में ये देखा कि वार्डन का घर है, और जब हम इसके पास जाके कुछ बोलेंगे तो गाइस ये कोई दूसरे भाषा में बोलता है जो अपने को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिफ फूफू हे फीफो हा लोफ हाफीफ ई हाफी हो हिफ हिफ फ्यू, मतलब कुछ समझा नहीं मेरे को कि आप बोलना चाहता है वार्डन। बट मैंने अगर यस भी किया या भी नो भी किया तो हा हे होए हे हो ही हा हा क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ HM चाहिए, बट वो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो यही चीज़ थी जो मैंने काफ़ी सोचा कि आपको बता दूँ। और हाँ, आज के इस सफारी जोन में जाने से पहले हमें एक काम करना है, हमको हमारे जो पिकाचू था उसको इवॉल्व करना है राइचू में। तो उसके लिए हमें सेलेडॉन सिटी जाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग क्या खर्चे परचेज करने वाले हैं, थंडरस्टोन, जहाँ पे वो जो बड़ा शॉपिंग मार्केट जैसा कुछ तो है, उधर जाके हम लोग पहले तो शॉपिंग करेंगे और एक चीज़ ख़रीदनी है जो कि है थंडरस्टोन, जिससे हम लोग हमारे पिकाचू को इवॉल्व कर देंगे। तो ये रही वो बिल्डिंग, मैं कहाँ जा रहा था मेरे को नहीं पता। तो चलो गाइज़, अंदर जा चुके हैं, और आई थिंक मेरे को लगा था कि वो थर्ड या फिर फोर्थ फ्लोर में था थंडरस्टोन। देखते हैं, हम लोग हर एक फ्लोर चेक करते जाएंगे। ये फ्लोर में तो नहीं है, ये फ्लोर में मेरे को याद है यहाँ पे HMs कोई तो बेच रहा था। ये फ्लोर में भी नहीं हो सकता, आई थिंक फोर्थ फ्लोर में ही होगा वो, आई थिंक, पता नहीं मेरे को, चेक करेंगे। नहीं, यहाँ पर, हाँ यहीं पर है थंडरस्टोन, हम लोग घर परचेस कर लेंगे। और नहीं, परचेस किया कि नहीं मैंने, मेरे बैग में एक भी नहीं है, तो अभी हाँ परचेस करना है। और चलो अभी गाइज हम लोग हमारे पिकाचू को इवॉल्व कर देते हैं। कहाँ गई मेरी बैग? और गाइज ये सीन काफ़ी मस्त होने वाला है, तो आपको इसको इसको ज़रूर देखना। यार कहाँ गया थंडरस्टोन? हाँ ये रहा। चलो इस एक के ऊपर यूज़ हो सकता है जो कि है पिकाचू, तो ये रहा हमारा पिकाचू कि हमने इसके ऊपर थंडरस्टोन यूज़ कर लिया। और अभी क्या, व्हाट पिकाचू इज़ इवॉल्विंग। तो ये राइचू होने के बाद भी काफ़ी क्यूट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पिकाचू पसंद है, बहुत सारे लोगों को राइचू पसंद है, बट यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे तो हमको स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होना चाहिए। एक नॉर्मल पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये ऐश का पिकाचू होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता, बट इस गेम में ये रेड का पिकाचू है। रेड का पिकाचू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी हम लोग राइचू में इसको इवॉल्व कर लिए, और अभी इसकी स्पीड और अटैक्स विटैक्स जो भी रहेंगे वो सब बढ़ गए रहेंगे, मेरे को ऑब्वियसली पता है, क्योंकि राइचू पिकाचू से स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली इवॉल्व फॉर्म हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है, ऐसा कभी हो देखा तो देखा नहीं है मैंने कि कोई पोकेमोन इवॉल्व होने के बाद और भी बुरा हो गया। तो अगर देखा है, आपको पता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग को रिटर्न जाना है फोसिया सिटी में। हमें आज कुछ करना था ना, हाँ हमें आज सफारी जोन में जाना था। तो ये रही वो सिटी, तो चलो हम लोग फोसिया सिटी में जाते हैं। तो गाइस सॉरी, मैंने बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक ले लिया था, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इतना बड़बड़ रहा हूँ तो थोड़ा पानी पी रहा था, तो अगर आपको उसके लिए सॉरी। तो चलो आगे जाते हैं हम लोग। आई थिंक हम लोग सही जा रहे हैं, यहीं से जाना था हमें। हमारे पास अभी बाइसिकल है तो हम लोग थोड़े स्पीड में ट्रेवल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्या, यही गेट है ना, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था ऑफलाइन सिटी, क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग में। वेलकम टू द सफारी जोन, For just 500 you can play the safari game. You can roam the wide open safari and catch what you like. Would you like to play? Yes, I won't like to pay. 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, और इसने हमें 30 पोकेबॉल भी दिए। और ये गेम ऐसा है कि 30 मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में अपने को, टाइम लिमिट नहीं होता यहाँ पे, स्पेसिफिक चलने का स्टेप्स रहता है, जिसको अगर हमने यूज़ किए तो हम लोग फिर अगर उसके टाइम में हम लोग कुछ पकड़ पाए तो कुछ, तो मैं बोल रहा हूँ बट ठीक है, ध्यान मत दो मेरे पे। तो अभी हम लोग शायद से यहीं पे जाना है, हमको पता नहीं, चलो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, यहाँ पे लीफ स्टोन मिला गाइस, लीफ स्टोन अच्छी बात है, पर लीफ स्टोन से कौन सा पोकेमॉन इस गेम में इवॉल्व आता है मेरे को पता है गाइस। इस गेम में मेरे को ईवी को ना इसमें चेंज करना था लीफियन में, बट इस गेम में लीफियन तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पे हम लोग निडोरैन क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने गलती से क्लिक कर दिया था,
ऐसा मेरा कोई ये नहीं था, एम नहीं था, और हमने गलती से न्यूट्रॉन मेल को पकड़ लिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक और पोकेमॉन हमारे पीछे में आ चुका है। अभी गलती से पकड़ा गाइस मैंने, जानबूझ के नहीं पिए पकड़ा। और यहाँ पे हमें टीएम 11 कुछ तो मिला, जिसका नाम है, क्या था नाम, मैं भूल गया, सनी डे कुछ तो नाम था। यहाँ पे फुल रिस्टोर मिला, तो ये बात अच्छी है कि हम लोग को 500 रुपये में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड पोकेमोन्स को अपने को देखने को मिलेंगे। एक और नीडोरैन, क्या बस सफारी जोन में नीडोरैन ही है क्या, और कोई अच्छे पोकेमोन नहीं है? चलो देखते हैं आगे आगे जाके, शायद से मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को पता नहीं। मेरे तो सिर्फ जो जो रास्ता दिख रहा है वहीं पर जा रहा हूँ मैं गाइस। आई थिंक अभी यहाँ पर जाएंगे हम लोग। और ये यहाँ पे क्या गिरा है, क्विक लॉ, ठीक है। क्विक लॉ का क्या यूज़ होता है मेरे को पता तो नहीं है, बट ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक और रास्ता है, यहीं से जाके देखेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे एक और रास्ता था, बट चलो जाते ही है, क्योंकि पता नहीं कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये क्या है, मैक्स रिव्यू मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या मिला, मैक्स पोशन। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स अपने को, जो महंगे महंगे आइटम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ऊपर कुछ तो है, आई थिंक हमें यहाँ से जाना पड़ेगा उधर जाने के लिए। तो शायद से हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं गाइज मेरे को, बट ठीक है देखते हैं। एक नीडो रीना हम लोग नहीं पकड़ेंगे गाइज, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्या करना रहता है। यहाँ पे स्टील विंग एक और टीएम मिला। ओके, मतलब सफारी जोन एक खजीना जैसा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही रहता है गाइस। ओके, एक रायवॉन, ये मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, बट अभी नहीं पकड़ूंगा गाइस, क्योंकि हम लोग बाद में ये सब पोकेमोन को पकड़ेंगे। अभी हम लोग सफारी जोन पूरा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या है इस सफारी जोन में। अभी एक और प्रोटीन मिला जो कि काफ़ी महंगा होता है। ओके, डिंग डोंग, टाइम्स अप, योर सफारी गेम इज़ ओवर। बस इतना सही, मेरा टाइम इतना जल्दी नहीं गाइज, मेरे को वहाँ पे जाके देखना है बाकी क्या है वहाँ पे, और मैं जाके देखूँगा ही गाइज। यस, मेरे को फिर से जाना है। और चलो इस बार हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, अपने को पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो कहाँ गई मेरी साइकिल, ये रही, हमको यहाँ से इधर जाना था, फिर शायद से मेरे को याद है यहाँ से इधर, नहीं इधर तो नहीं यार, फिर नहीं, गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है गाइस। और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन्स तो बहुत अपने को देखने को मिलेंगे। मैं क्यों रिपेल यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बट नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता अगर कोई अच्छा पोकेमोन आ जाए तो उसको पकड़ने को ट्राई तो ज़रूर करेंगे ना हम लोग गाइस। और यहाँ से हम लोग आए थे यहाँ पे आई थिंक, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे नहीं, हमको वेस्ट नहीं करना है हमारा टाइम, हम लोग को सीधा सीधा यहाँ से जाना है। हमें पता था हम लोग लास्ट टाइम उधर ही जाके फंस चुके थे, एक रायहॉन, तो आई थिंक मेरे को नहीं चाहिए अभी, पकड़ना नहीं है। वैसे रायहॉन काफ़ी अच्छा है, और इसका जो नेक्स्ट इवोल्यूशन है रायडॉन, वो भी काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, तगड़ा पोकेमोन बोल सकते हैं आप लोग उसे। यार यहाँ पे एक और पोकेमोन है, देखते हैं कोई अच्छा एग्जीक्यूट। हाँ, देखा जाए तो मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है, तो हम इसे पकड़ सकते हैं, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर एक बॉल में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं पकड़ने वाला। 1 2 3 गाइस, ठीक है, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, एक ही बॉल में आ रहा है तो मैं पकड़ लिया हूँ। देखेंगे हम लोग, शायद से इसको हम लोग हमारे टीम में भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटर भी काफ़ी अच्छा पोकेमोन है। और आप में से आई थिंक बहुत पहले मेरे को एक लोग किसी ने तो बोला भी था कि भाई अपने टीम में एग्जीक्यूटर और ले ले अगर ग्रास टाइप पोकेमोन चाहिए तो। तो ये रहा, यहाँ पे कुछ तो मिला, गोल्ड टीथ मिला, उसका क्या यूज़ है, शायद से कोई बाइट अटैक, मतलब बाइट के लिए कुछ तो होगा, पता नहीं मेरे को क्या करना है। एक डबल टीम मिला, ओके। और ये क्या है, ये एक एग्जिट है क्या इस गेम का? ओह फाइनली, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द सीक्रेट हाउस। ऑल दो आई मेड अ कैंपेन फॉर आवर ग्रैंड ओपनिंग, आई वॉज गेटिंग वरीड दैट नो वन वुड विन आवर चैम्पियन प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन। ओमकार रिसीव्ड HM3। HM3 आई थिंक सर्फ था, हाँ, तो ओके, हमें सर्फ मिल चुका है। यू आर सुपर लकी फॉर विनिंग दिस फैब्यूलस प्राइज। है, हमें तो है ही लकी। तो गाइज हमारे पास अभी आई थिंक सर्फ आ चुका है, तो आई थिंक आप लोग इसी वजह से मेरे को बोल रहे थे कि तो सफारी जोन जा, क्योंकि मेरे को सर्फ मिलने वाला है, और वो मिल गया है मेरे को, तो उसको एग्जिट लगा था, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं गाइज।
हमारे पास अभी सर्फ आ चुका है और हम लोग शायद से कोगा भी बोला था ना कि मेरे को हराने के बाद तू यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ हमारे टीम में तीन पोकेमोन है जो सर्फ यूज़ कर सकते हैं। ब्लास्टोइस को तो ठीक है कि वो वाटर टाइप है इसलिए यूज़ कर सकता है। स्नोरलैक्स भी यूज़ कर सकता है क्योंकि वो एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, आई थिंक उसकी साइज़ बड़ी है इसलिए वो सर्फ यूज़ कर सकता है। बट यहाँ पे सबसे चौंकने की बात है कि निडोकिंग जो कि एक ग्राउंड एंड ग्राउंड टाइप और एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है जो वाटर के अगेंस्ट वीक है, फिर भी वो सर्फ यूज़ कर सकता है। इसलिए पोकेमोन गेम्स में कभी कभी कुछ लॉजिक नहीं होता, बट ठीक है अभी हमारे हम लोग सर्फ ब्लास्टोइस को ही सिखाएंगे ऑब्वियस सी बात है। और कौन सा अटैक हटा दे, आई थिंक हम लोग टेल व्हिप हटा देते हैं क्योंकि टेल व्हिप की अभी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सर्फ सिखा दिए और अभी हम लोग देखेंगे सर्फ करेंगे हम लोग पहले ही बात तो। ओके ब्लास्टोइज ने सर्फ सीख लिया टेल व्हिप को भूल के, और अभी शायद से हम लोग यहाँ से सर्फ करके नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी सर्फ आ चुका है ना। तो अभी हम किस क्यों शर्मा आ रहे हैं। ओके कहाँ गई मेरी बाइसिकल। ओके आई थिंक हम लोग अभी सही जा रहे हैं। ये यार यहाँ पे कोई मतलब तगड़े पोकेमोन तो दिखे ही नहीं, जैसे कि आई थिंक मेरे को क्या लगा था कि आप लोग बोल रहे थे कि साइथर पकड़ सकता है तो पिंसर पकड़ सकता है, यहाँ पे कहाँ है आपके साइथर और पिंसर, मेरे को तो कोई भी नहीं दिखा। और ये कौन सी जगह है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्या पहली बात, आई थिंक मेरे को पता नहीं बट फिर भी देखते गाइज़। ये बीच में क्या रखा है, शायद से कोई अच्छा HM या फिर कोई पोकेमोन भी हो सकता है, मैं ज़रूर जाऊँगा। नगट मिला ठीक है, नगट भी कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग डील और बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतना जो छुपा के रखा है बट ठीक ठाक है। हम लोग अभी यहाँ पे तो आ चुके हैं, अभी क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस। अच्छा ये रास्ता यहाँ पे आके खुलता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक हम लोग यहाँ से निकलते भी सकते हैं कि नहीं, हाँ निकल सकते हैं हम लोग को। एक मिनट ये कौन सी चीज़ है, रेस्ट हाउस, इसमें क्या होता है मेरे को पता नहीं, मैंने इसको चेक ही नहीं किया था। क्या लिखा है, टॉसिंग रॉक्स एट पोकेमोन माइट मेक देम रन एट दे विल बी इजियर टू कैच, और ठीक है। और दूसरा क्या बोल रही है, आई हाइक अ लॉग बट आई डिडंट सी एनी पोकेमोन आई वांटेड, ठीक है। और यूजिंग बेट विल मेक पोकेमोन मोर लाइकली टू स्टिक अराउंड इफ दे गेट बजी एंड ईटिंग, ठीक है। तो कुछ समझ में तो नहीं आया बट ठीक है, कुछ तो बोले वो लोग, समझ में आया ऐसी बात नहीं। चलो अभी हमारे खुद ब खुद टाइम ख़त्म हो गया, मतलब गाइस लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम में नहीं क्लियर किया था ये गेम। अरे कि वो कौन ठोक रहा है यार, सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए। तो आई थिंक हम लोग सफारी जोन में तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो बाइक से जाएंगे और मेरा यहाँ पे थोड़ा गला बैठा है अभी तो उसके लिए सॉरी। अब ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो आज के एपिसोड में हम लोग आई थिंक यहीं पे इनफ करेंगे आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोगों ने कुछ तो किया था, क्या किया था मेरे को याद, हाँ आज के एपिसोड में हम लोगों ने हमारे पिकाचू को इवॉल्व कर दिया राइचू में, उसके बाद सफारी जोन में चैलेंज लिया था और उसके बाद हमें HM सर्फ भी मिला और कुछ और बहुत सारी HM TM और कुछ सारे कुछ तो गोल्डन टीथ करके भी मिला, उसका क्या यूज़ है मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और आई होप आज का एपिसोड आपने पूरा देखा, तो मैं लूँगा उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई नो एपिसोड छोटा है तो क्या कर सकते हैं, तो चलो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।